नमस्कार, नेशनल व्हील्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज आपको इलाहाबाद में आयोजित होने वाले 2019 कुंभ के बारे में रेलवे की ओर से कराए जा रहे कार्यों की जानकारी देंगे। इस सीरीज़ में कुंभ मेला को लेकर के रेलवे की ओर से हो रहे सभी कार्यों की जानकारी अलग अलग वीडियो में आपको दी जाएगी। आपको यह जानकारियां या वीडियो पसंद आए तो इन्हें शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेले से जुड़े कार्यों, इलाहाबाद में हो रहे रेलवे गंगा पर बन रहे रेलवे के पुल के ऊपर जो दोहरी लाइनों के लिए बनाया जा रहा है, यह पुल फाफा मऊ जंक्शन को प्रयाग होते हुए इलाहाबाद जंक्शन से जुड़ेगा। यह काम भी कुंभ 2019 को लेकर के किया जाना है, जिसे नवंबर 2018 तक पूरा कर दिया जाना है। लेकिन कार्य की स्थिति ऐसा बताती है कि यह नवंबर 2018 क्या या मेला बीत जाने के बाद भी पूरा होना संभव नहीं है। हम पुल के उस छोर पर खड़े हैं जो प्रयाग स्टेशन को जोड़ता है। ये देखिए, पुल जहाँ ख़त्म होता है उसके आगे ना भी मिट्टी है ना गिट्टी है। ट्रैक के बगल में पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसमें मिट्टी की भराई होनी है, गिट्टी पड़ेगी, फिर ट्रैक पड़ेगा। आपको दूसरे छोर पर दिखाते हैं, ये ठीक बगल में देखिए गंगा जी है। ये रेलवे पुल के लिए वर्कशॉप बना हुआ है, काम हो रहा है, लेकिन कार्य की गति बहुत धीमी है। इस पुल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी यह भी जानिए। ये ठीक बगल में आप देख रहे हैं करजन पुल है, जो पुराना और जर्जर होने के कारण बंद कर दिया गया, अब उस पर ट्रेनें नहीं जाती। उस पर ट्रेनों को बंद करने के बाद रेलवे ने नए पुल को बनाया और इसे चालू किया। शुरुआती दौर में यह सिंगल लाइनों के लिए पुल बनाया गया था, अभी यह सिंगल लाइन है, लेकिन अब ट्रेनों की संख्या बढ़ने की वजह से इसे दो लाइनों में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि यह कार्य 2009 में घोषित हुआ था, 9 साल हो गए हैं और अब तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। कुंभ मेले तक भी यह कार्य हो, क्या काम